आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, हमें गदांश देव गदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। राजनीतिक भाषा को गरिमा में हम जो भी कहे, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखे सकीरे, राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हम नीचा रखा छोड़ा, उनके प्रति अन्याय से हम बच नहीं सकते। समय समय पर उनके के नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। पैसे तो अंतः पार्टी के लोगों के पास पहुंचता है। संक्षेप में, जिनके पास बुद्धि, शिक्षा, समृद्ध और सम्मान है, हमारा देश के अन्य अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी क्या है, समुन्द्र से भी अधिक चौड़ा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, क्या बताना है। जो हमें राष्ट्रीय शब्द दिया उसमें बताना है प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही रूपांतरित कर देता है, मतलब अर्थ का जो होता है उस शब्द का, उसका क्या कर देता है, चेंज हो जाता है उस शब्द का, तो हमारा वो प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है या, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है रीजे। तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय में कौन सा ये प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय में हमारा ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल और केवल जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।